सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा शेरावाली जी का बोल सांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ सप्त श्लोके दुर्गा शिव उवाच। देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविनायिनी करोहि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्योवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेश्च साधनम् मया तदैव स्नेहेन ब्रह्मास्तुभिः प्रकाश्यते। ॐ अस्य श्री दुर्गा सप्तलोके सप्तमन्दस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुव छन्दः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्या देवता श्री दुर्गा विद्यतम् सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः। ज्ञानीनाम विचेतांसि देवी भगवती सा वरदा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे श्रिता हर्षभीतिमशे जयन्तः स्वस्थे श्रिता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखवहारिका तदन्या सर्वोपकार्यकरणाय सदा धृतचित्ता सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। शरणागतदीनाथपरित्राणपरायणे सर्वज्ञातिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वे च सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगान् शेषानपहन्ति दुष्टा रुष्टा दुःकामान् सकलानविष्टान् त्वामाशिभानां न विपन्नराणाम् स्वामाशिलायाशयतां प्रयान्ति सर्वाबाधा प्रसारं त्रैलोक्यजागरेश्वरी। एवमेव त्वया कायमस्मद्वैरिविनाशनम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शरश्वकमलानने यस्य प्रसादपात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सति। ॐ साध्ये भव प्रीता भवानी भव मोचनी आर्या दुर्गा जयाचार्या त्रिनेत्राशूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्ता चण्डघण्टा महातमाः मनोबुद्धिरहङ्कारचित्तरूपा चिदादिः सर्वमन्दमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणी अनन्ता भाविनी भव्या 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 सदा गतिः शाम्भवी देव माता च चिन्ता रत्नप्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञविनाशिनी अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावती पट्टाम्बरपरिधाना कलमञ्जीररञ्जनी अमेयविक्रमा क्रूरा सुन्दरी सरसुन्दरी
वन दुर्गा च मातंगे मतंगा मुनिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चंद्र कुमारी वैष्णवी तथा चामुंडा जैव वाराये लक्ष्मी च प्रजागृति विमलोचनी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिता बहुला बहुल प्रेम सर्ववाहन वाहना शुंभ शुंभहने महिषासुरमर्दिनि मधुकैटभद्भिजा चण्डमुण्डा विनाशिनि सर्वासुर विनाशा च सर्वदानवघातिनि सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणि तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणि कुमारी जैककन्या च केजारी युवतेयतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमादा बलप्रदा महोदरे मुग्धगेशे घोररूपा महाबला अग्निज्वालारोद्धमुखे कालरात्रि तपस्विनी नारायणी वज्रकाले विश्वमाया यलोदरे शिवदूती कराले च अनन्ता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्रे प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी यायिनां प्रभुते नित्यं दुर्गाणामसिताष्टकम् कासाध्यं विद्यते देवि त्रिषु लोकेषु पार्वति धनं धान्यं सुतं जायामयं हस्तिनमेव च चतुर्भर्गं तथा जाते लवे मुक्तिं च शाश्वते कुमारीं पूजयित्वा तु जाता देवीं सुरेश्वरीं पूजये पर्यावच्य परिणामसिताष्टकम् सक्षसिद्धिर्ववेदेहि सर्वे हि सुरवरैरपि राजानो दासताम् यान्ति राज्यश्रियमवाप्नुयात् गोरोचनालक्तकमङ्गुमेन सिन्दूरकर्पूरपदुत्रेण विलिख्यजन्दम् विधिना विलिख्य भवे सदाधारेत पुरारिः भौमावास्यानिशामग्रे चन्द्रे सद्भिषां गते विख्यापटे स्तोत्रं सभवे सम्पदां बलाम् ओम। इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की प्रातःकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामिश से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे हैं। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्य आरती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते हैं। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। अथ देव्याः कवचम् ओम अस्य श्री चण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुभछन्दः चामुण्डा देवता अङ्गनालक्ष्मादुरभियम् जगवन्ददेवता सत्त्वम् श्रीजगदम्बाभिर्त्यर्थे सप्तशरीपाशाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेयुवाच ॐ जर्गोऽयं परमं लोके सर्वरक्षाकरं निनाम् जन्मकर्तृसाज्ञानन्दम्यभोहे पितामहः ब्रह्मोवाच अक्षिगुह्यतमम् व्यक्त सर्वभूतापकारकम् देव्यातु कवचम् वन्यम् दर्शनुष महामने प्रथमम् शैलभक्तिजद्वितीयम् ब्रह्मचारिणी तृतीयम् चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमम् स्कन्दमादेति षष्ठम् कात्यायनीति च सप्तमम् कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिरातिज नवदुर्गः प्रकीर्तिता मुक्षानेतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे
विष्णु मे दुर्गा मे जय व्याता शरणं गता नातेषां जायते किञ्चित् अशुभं न सङ्कटे नाबलं तस्य पश्यामि लोकदुःखा वयं नहि येषु भक्ता फिरानो न तेषां विद्धि विजायते ये त्वां सरन्ति देयति रज्जुभेदान संशयः एक संसातु चामुण्डा वाराही महिषासना समारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी विशारूढा कौमारी जिगिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी विषवाहना ब्राह्मी अंशसारूढा सर्वावर्णभूषिता इच्छेदामाकरा सर्वा सर्वयोगसमन्विता नानावर्णशोभाढ्या नानारत्नावशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्या क्रोधसमाकुला शङ्खं चक्रं गदा शक्तिमलं नामसलायुधं खेटकं दोमरं चैव परशं पाशमेव च कुन्दायुधं त्रिशूलं च धारकमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामयाय च नारायणायुधानि तं देवानां चहिताय वै नमस्ते स्तु महारथे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशने कायिमां देवि दुष्पेक्षे शत्रुनामय वर्धने राज्यालक्षतु मामेति याग्नेयापग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराहि नैत्यां खड्गधारिणि प्रतिचाम्बारुणी रक्षे वायभ्यामिगवाहिनि उदिचाम्बासु कौमारी यशानां शोभधारिणि भूषं ब्रह्माणि मे रक्षे अधस्ता वैष्णवी तथा एवं दशिशो रक्षे चामुण्डाशववाहना जया मे जाग्रता पादो विजया पादो पृष्ठतः अजिता वाम पाचयतो दक्षिणे चापराजिका शिखामुद्योदनी रक्षे उमामूर्तिव्यवस्थिता माला शरीरराजे च भुवा रक्षे यशस्वनी त्रिनेत्रा च भुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खणे चक्षुरोर्मध्ये ज्योतयोर्धारवासिनी कुम्भोलोकालिका रक्षे कर्णमूले दुशाङ्गरी नासिकायां सुगन्धादा उत्तरोस्ते च जिगा अधरे च मृगला युवायां च सरस्वती दन्तारक्षुकौमारी कण्डले चेत् चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी च कुम्रज्ये वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठभं च दलोधरी नीलग्रीवा बही कण्ठे नलिकां नलगोहरि गन्धरो खड्गणी रक्ष बाहु मे वज्रदारिणि हस्त्रो दण्डनि रक्ष लम्बिका चाङ्गलेश च नखाञ्चुलेश्वरी रक्ष कुक्षारक्ष गणेश्वरी कणोरक्ष महादेवी मनः शोकविनाशनि हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणि नाभो जगामहि रक्ष भूयं भूयेश्वरी तथा पूर्णा कामि कामेण गुरे भैषवाहिनी कट्यां भगवती रज्य ज्ञानने विन्ध्यवासिनि यज्ञे महाबला रज्य सर्वकामप्रदायिनि गुल्फयोर्नारसिंहे च पादपृष्ठे सुदेशति पादाङ्गुलेषु श्रीरक्ष पादाशस्त्रवासिनि नकाङ्गशाकराले च केशां सेवादयशनि रोमकोपेषु कौवेरि त्वजं भागेश्वरेतता रक्षमज्जावसामाचार्यसि वेदान्ति पार्वती अक्षाणि कालरात्रे च वित्तं च मुग्नेश्वरि पद्मावति पद्मकोशे कवे चूडामणिस्तता ज्वालामुखे नगज्ज्वालामवेद्या सर्वसन्धिजो शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां सत्येश्वरि तथा अहङ्कारं मनोबुद्धे रक्षे मे धर्मधारिणि प्राणापानो तथा व्याणमुदानं च समानकम्
भजाचाच मे रक्ष प्राण कल्याण शोभना रज रूपे गंधे शब्द स्पर्शे योगने सत्वमृयस्तमर्चय रक्ष नारायणे सदा आयु रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवे यशा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धन विद्यां च चक्रणे गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष पशु मे रक्ष चण्डिके पुत्रारक्ष महारक्ष भार्यां रक्षतु भैरवे वंशानां सुवरारक्ष मार्गं क्षेमकरे तथा राजद्वारे महालक्ष्मे द्विजया सर्वदा स्थिता रक्षायेनं तु यस्थानं भर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवे जयन्ते पापनाशने पदमेकं न गच्छेदो जयेच्छेत्रमात्मनः कवचेनादृतो नित्य यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्राथ लाभश्च विहासावगामिकः यं जन्येन्द्रे कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वर मतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामे च परायुतः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनापि तापमान् इदं दूतेभ्यः कवचं देवानामपि दुर्लभम् जापटे प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं सत्यान्विनः देवी कला भवेदस्य त्रैलोक्ये च परायुतः जीवे वर्षशतं साग्रमपमृत्यो विवर्जितः दर्शन्ति याजया सर्वे लोता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं जयकृत्रिणं जावियद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्दयन्तानि भूतले भूचरा केचराश्च जलयाश्च भयजिलाः सजाकुजरामालाडाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्ष जरा घोरा राकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचार्य यक्षगन्धर्वराक्षिताः ब्रह्मराजवेदाः कूष्माडा वैरवादयः नश्यन्ति दक्षिणादस्य कवचे संस्थिते मानानिर्भवैराग्यस्तेजो विद्धिकलम्बरम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तशतीं जन्यं कृत्वा तु कवचम्बरा यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मे जन्या सन्तति पुत्रपातके देहान्ते परमंसानं यत्सुरेरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यमहामायाकृतादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह वदते अथार्गलास्तोत्रम् ॐ अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णोरिति अनुष्टवछन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तशती पारागत्येन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जयन्ति मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गाशमाजवाधास्ति स्वाहा सुधा नमोऽस्तु ते जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते जयि कालरात्रि नमोऽस्तु ते मधुकैटवभिद्राये विलासे वदे नमः रूपं देहि जयं देहि दशा जयि दिशा जयि महिषासुरनिर्नादि भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि दशा जयि दिशा जयि रक्तवीरवदे देहि चण्डमुण्डविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि दशा जयि दिशा जयि शुम्भस्यैव शुम्भस्य धूम्रायस्य च मर्दिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो यहि वन्दिताङ्घ्रिहृदे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो यहि अजिञ्चरूपचरिते सर्वशक्तो विनाशिनि
रूपं दहि दयं दहि दशो दहि दशो दहि नदेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिकेतरितापहे रूपं दहि दयं दहि दशो दहि दशो दहि तुभ्यो भक्तिभूवन चण्डिके व्याधिनाशिनि रूपं दहि दयं दहि दशो दहि दशो दहि चण्डिके सकलं जयत्वमर्चयन्ति अभक्तिदः रूपं दहि जयं दहि जशो दहि दिशो दहि दहि सौभाग्यमारोग्यं दहि मे परमं सुखं रूपं दहि जयं दहि जशो दहि दिशो दहि विदेहि दिशुलाभनाशं विदेहि परमच्चकैः रूपं दहि जयं दहि जशो दहि दिशो दहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमाशिवम् रूपं दहि जयं दहि जशो दहि दिशो दहि शुरासुरशुरोरत्नजग्रष्टजनम्बिके रूपं दहि जयं दहि जशो दहि दिशो दहि विद्यावन्दं जशस्वन्दं लक्ष्मीवन्दं जनं कुलो रूपं दहि जयं दहि जशो दहि दिशो दहि प्रचण्डदैत्यदर्भग्रचण्डिके प्रणताय मे रूपं दहि जयं दहि जशो दहि दिशो दहि चतुर्भुज चतुर्भक्त संसुजे परमेश्वरि रूपं दहि जयं दहि जशो दहि दिशो दहि कृष्णेन संसुजे दहि षट्शतभक्तार्थदाम्बिके रूपं दहि जयं दहि जशो दहि दिशो दहि हिमाचलसुधानाथ संसुजे परमेश्वरि रूपं दहि जयं दहि जशो दहि दिशो दहि इन्द्राणि परिसद्भाव पूजिते परमेश्वरि रूपं दहि जयं दहि जशो दहि दिशो दहि देवि प्रचण्ड दोदण्ड दत्तसर्वविनाशिनि रूपं दहि जयं दहि जशो दहि दिशो दहि देवि भक्तजनोद्धाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं दहि जयं दहि जशो दहि दिशो दहि पत्नी मनोरमां दहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोत्तमाम् इदं स्वं पठित्वा महासौत्रं बले नः सतो सप्तशति संज्ञा परमा पठोति संवदा अथ कीलकम् ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टवछन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बापीत्यर्थम् सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदिप्रचक्षुषे श्रेयापातिनिमित्ताय नमः सोमाधारिणे सर्वमेतद्विजानीयान्मन्त्राणामभिकीलकम् स्वविषयमवाप्नोति सततां व्याप्य तत्परः सिद्ध्यन्तु चारणाधीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन सुवरां देहि सत्तमार्थेन सिद्ध्यति नामं द्रोणौषधं दत्त नागेञ्जेदमि विद्यते यदा चाप्येन सिद्ध्येन सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्रानि सिद्ध्यन्ति लोकजङ्गामिमामरः कृत्वा निमञ्जयामाद सर्वमेवाविदं शुभम् स्तोत्रमे चण्डिकायादौ तच्च गुप्तं जगादः समाजेन च पुण्यस्य दायधावण्यन्त्रणाम् स्वविक्षेमवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायामाजुर्दशाष्टम्यामा समाहितः दधाति प्रतिगृह्णाति नान्यदेशां सेदति इत्थं रूपेण कीर्येण महादेवेन कीर्तितम् योनिशीलाभिधायेन नित्यं जपति संस्फुटम् सा शुद्धः स्वगणा स्वपि गन्धर्वयायते नरः न च तस्य वयं कापि हयायते न
श्रद्धालु भक्तजन, अभी तक श्री वेद व्यास द्वारा विरचित मार्कंडेय प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। विशेषतया आपके रोगों, शत्रुओं, दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है। मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र। आई गिरिनंदन नंद समेदिनि विश्वविनोदिनि नंदनुजे गिरिवरविन्दजनोदिनि वासिनि विश्वविलासिनि जेतनुजे भगवती हे चित्तिखण्डकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय जप जय जय जप परस्तुति
Thank you.
भक्तियाँ अभी अंत में पृष्ठ नंबर 30 पर क्षमा प्रार्थना निकाल लीजिएगा। अथ क्षमा प्रार्थना अपराध श्रद्धालु भक्तजन 3 बार ओंकार अक्षय का नाद करेंगे। एक साथ उच्च स्वर से लंबे स्वर से हृदय से आवाज निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए हे माँ, इन पदमय स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ। हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो। ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन 3 बार एक साथ ओंकार अक्षय का नाद कीजिएगा। ओ संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुणायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ, इस प्रणव अक्षर ओंकार में आकार ओकार और मकार के रूप में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा
बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही हैं। सचिया जोता वाली माता तेरी जयकारा शेरा वाली जी दा अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है स्वयं पाठ किया है उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें ऐसी माता इसी प्रार्थना है। अभी आपने श्री देवी कवच का पाठ किया इसी के महत्व को प्रकट करते हुए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अग्निना दैय मानस्तु शत्रु मध्य गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्थः शरणं गता न तेषां जायते किंच शुभम रण संकटे नावदं तस्य पश्यामि शोक दुख भयम् नहि येस्तु भक्त्यास्मिता नूनं तेषां विद्धि प्रजायते ये त्वां सुनन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो रणभूमि में शत्रु से घिर गया हो विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त हुए हो उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। सचिया जोता वाली माता तेरी जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। राजा युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण जी से पूछ रहे हैं कि महाराज मैंने आपको आपसे चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म सुना परंतु चैत्र शुक्ल पक्ष में कौन सी काशी होती है इसका क्या महात्म है मैं नहीं जानता कृपया से मुझे बताइए। उसमें कृष्ण जी बता रहे हैं कि इसी एकादशी के महात्म को राजा दिलीप जी ने वशिष्ठ जी से पूछा था और वशिष्ठ जी ने बताया था कि राजन चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसका नाम कामदा है और ये बड़े से बड़े पाप का नाश करने वाली है। कथा के रूप में वशिष्ठ जी राजा दिलीप को बता रहे हैं कि प्राचीन काल में नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था जिसमें सोने के महल बने हुए थे और उसमें पुंडरीक इत्यादि जो नाग थे वो रहते थे उसमें गंधर्व तथा अप्सराएं भी रहती थी। वहाँ एक ललिता नाम वाली अप्सरा थी जिसका प्रेम ललित से था वो दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। एक दिन वो जो पुंडरीक था वो उस नरक का राजा था। राजा पुंडरीक ने गायन का आयोजन कराया और उसमें ललिता का प्रेमी ललित जो गंधर्व था वह गायन कर रहा था और साथ में नाच रहा था परंतु गाते गाते उसका ध्यान अपनी पत्नी की ओर चला गया क्योंकि पत्नी जो ललिता थी अप्सरा वो उसके साथ नहीं थी और ध्यान जाते ही उसके पैर जो थे वो मध्यम बनने लगे। नाचते नाचते उसके पैर मध्यम हो गए वो ठीक प्रकार से नाच नहीं पाया और गायन में भी उसका जो स्वर था वो भंग हो गया। इसको वहां पर बैठे हुए सुन रहे करकोट नाग ने भांप लिया और सारा वृत्तांत राजा पुंडरीक को बताया कि ये जो गंधर्व है ललित गंधर्व है ठीक प्रकार से नाच नहीं रहा है और ना ही गा पा रहा है क्योंकि इसका ध्यान जो था अपनी पत्नी की तरफ चला गया है। उस समय पुंडरीक ने श्राप दे दिया कि तूने मेरे इस गायन समारोह में स्वर को भंग किया है नृत्य को भंग किया है इसलिए तू राक्षस हो जा। और देखते देखते उसका रूप भयंकर हो गया वो राक्षस योनि को प्राप्त हो गया भयावना शरीर हो गया जिसको देख करके पत्नी ललिता अप्सरा बड़ी दुखी हुई और वो मन में विचार करने लगी कि किस प्रकार मेरे इस पति का जो दुख है वो दूर होगा पुनः ये किस प्रकार गंधर्व रूप में आएंगे। वो जहाँ जहाँ गंधर्व राक्षस योनि को प्राप्त हुआ ललित जाता था वन में पीछे पीछे ललिता भी जाती थी। वहां उन्होंने एक ऋषि का आश्रम देखा और वहां पर वो गए। ऋषि बड़े दयालु थे उनका किसी से वैर भाव नहीं था। ललिता को देख करके उन्होंने कहा कि शोभने आप कौन हैं आपको किस प्रकार का दुख है। उस समय ललिता ने बताया कि महाराज वीर धनवा नाम के गंधर्व हैं मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ मेरे पति राक्षस योनि को प्राप्त हो गए हैं और मैं दुखी हूँ इसलिए मुझे कोई उपदेश कीजिए मेरे योग्य जो कोई तपस्या हो उसे मुझे बताइए जिससे मेरे पति जो है पुनः अपने गंधर्व रूप को आ जाएं। उस समय वह मुनि
ललिता अप्सरा से कह रहे हैं कि देवी आज चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी है, इसका व्रत करने से, विधि पूर्व व्रत करने से तेरे तेरा जो पति है वो इस पाप से मुक्त हो जाएगा। जो तू व्रत करेगी उसका जो पुण्य है अपने पति को देना भगवान के सामने, और इससे ये राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। उस समय ललिता ने विधि पूर्वक इस कामदा एकादशी का व्रत किया, उपवास किया और भगवान विष्णु की आराधना की, और तत्पश्चात उन्होंने भगवान विष्णु के विग्रह के सामने ये संकल्प लिया कि महाराज मैंने ये जो कामदा काशी का व्रत किया है इसके पुण्य के प्रभाव से मेरा पति जो है वो पुनः अपनी दिव्य रूप गंधर्व रूप को प्राप्त हो जाए। और देखते देखते जो गंधर्व ललित अपने गंधर्व रूप को प्राप्त हो गया, अर्थात वो पहले की अपेक्षा भी सुंदर रूप उनका हो गया। कहने का तात्पर्य यही है कि जो आज के दिन विधि पूर्वक जो वैष्णव संप्रदाय में इस कामदा काशी का व्रत करते हैं उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता, उनके सारे पापों का नाश हो जाता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। आप सभी सौभाग्यशाली एक पुण्यकर्मी हैं जिनको आज उन्हीं के धाम में माता महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती जी आदि काल से संपूर्ण विश्वभर में संयुक्त रूप में केवल यहीं विराजमान होती हैं, आपको शक्ति ऐश्वर्य ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही हैं। तीनों महाशक्ति जड़ मूल से एक हैं, ऊपर के तीन स्वरूप और इन्हीं के चरणों से गंगा स्नान कराती परिक्रमा करती जा रही हैं। पूर्व काल में भक्तियां इसी प्राकृतिक गुफा के मार्ग से जाकर के पूर्ण पिंडी, साढ़े पूर्ण 5 फुट जो पिंडी है इसके दर्शन करके जिस प्रकार जल परिक्रमा कर रहा है ऐसे ही परिक्रमा करके इसी मार्ग द्वारा बाहर आ जा करते थे, परंतु कालांतर में भक्तों की बढ़ती संख्या को देख करके अन्य मार्ग बनाए गए और माता जी ने अपने शरीर को शीश तक जो चांदी सोने के पत्ते जड़ लिया, अर्थात केवल दिव्य पिंडियों के रूप में दर्शन देना स्वीकार किया। इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पार प्राकृतिक रूप से विराजमान गणपति महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुक प्रहलाद जी और साथ में महाराज जी का वरदहस भक्तों प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। जिस प्रकार आप चतुर्भुज रूप में देखते हैं माता जी का एक हाथ सदैव आशीर्वाद के तत्पर रहता है, इसी प्रकार जहाँ पर माता जी का वरदहस्त विराजमान है और सामने शंकर भगवान जी शिव रूप में विराजमान, जहाँ शक्ति है वहाँ शिव विराजमान रहते हैं और जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, परंतु शिव भी इन शक्ति बिना अधूरे हैं क्योंकि शिव में जो इकार है यही शक्ति सुबह कुंडलनी है। यदि हम इस इकार को निकाल देते हैं तो शिव भी स्वयं सवर आ जाते हैं, अर्थात हम ही भक्ति नहीं देवता भी इन शक्ति बिना अधूरे हैं। और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे कली काल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐं के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है, ह्रीं के चरण से धन ऐश्वर्य मिलता है, क्लीं के चरण से शक्ति प्राप्त होती है। चामुंडा माता जी का नाम एवं बिच्चे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इसी निवार मंत्र का उच्चारण माता जी चरणों बैठे हुए हम सभी भक्त यहाँ 3 बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देविच्चे। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे। नचिया जोतां वाली माता तेरी सदा, जयकारा शेरां वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। घर में नित्य प्रति स्नानों उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं अपने मन में सुन रहे माता के प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तर उत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। सचिया जोतां वाली माता तेरी सदा, जयकारा शेरां वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की वेला है, सभी भक्त यहाँ उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता बेटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री मनिंद्र जी से अपनी मधुर बयान प्रस्तुत कर रहे हैं श्री मनिंद्र। जयकारा शिरोमणि जी का दरबार की जय। ये अवसर फिर नहीं मिलने का, ये अवसर फिर नहीं मिलने का, ये अवसर फिर नहीं मिलने
सत्संग करो माँ के दर्शन करो सत्संग करो माँ के दर्शन करो ये जन्म नहीं फिर मिलने का सत्संग करो माँ के दर्शन करो सत्संग करो माँ के दर्शन करो ये अवसर फिर नहीं मिलने का ये अवसर फिर नहीं मिलने का ये जन्म नहीं फिर मिलने जन्म नहीं फिर मिलने का काली प्रभा देवी है सगर के हाथ ऊपर डाल बात में हाजिर देंगे और वो क्या बोले वेलकम चाहे सारी दुनिया ठुकराए चाहे सारी दुनिया ठुकराए चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए हो चाहे सारी दुनिया ठुकराए चाहे सारी दुनिया ठुकराए हो चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए चाहे चाहे थाली लोटा बिक जाए चाहे थाली लोटा बिक जाए वो चाहे थाली लोटा बिक जाए थाली लोटा बिक जाए सत्संग करो माँ के दर्शन करो सत्संग करो ये अवसर फिर नहीं मिलने का ये अवसर फिर नहीं मिलने का ये जन्म नहीं फिर मिलने का ये जन्म नहीं फिर मिलने का चाहे तन में अधिक बीमार तन में अधिक बीमारी हो प्रतिकूल चले नर नारी हो प्रतिकूल चले नर नारी हो चाहे तन में अधिक बीमारी हो चाहे तन में अधिक बीमारी हो प्रतिकूल चले नर नारी हो प्रतिकूल चले नर नारी हो माने ना बात हमारी हो माने ना बात हमारी हो माने ना बात हमारी हो माने ना बात सत्संग करो माँ के दर्शन करो सत्संग करो माँ के दर्शन करो ये अवसर फिर नहीं मिलने का ये अवसर फिर नहीं मिलने का ये जन्म नहीं फिर मिलने का जन्म अपमान अचानक हो जाए अपमान अचानक हो जाए हो निज साथी कोई
फिर मिलने का
तारा शिरोमणि जी का सच्चे दरबार की जय। एक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री विजय कुमार। जयकारा मेरी शेरो वाली जी का सच्चे दरबार की जय। रत बरसे बरसे जी शेरा वाली के द्वारे, अमृत 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 बरसे बरसे जी माता रानी के द्वारे, अमृत बरसे बरसे जी माता रानी के द्वारे। ओ माई के भवन पे अमृत बरसे, माई के भवन पे अमृत बरसे, माई के भवन पे अमृत बरसे, माई के भवन पे अमृत बरसे। नहीं जाना नहीं जाना दरवाज खाली, नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना दरवाज खाली, नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना दरवाज खाली, नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना दरवाज खाली, नहीं जाना। मस्त नहाया मस्त नहाया होके मस्त नहाया, अमृत में भक्त ध्यानु होके मस्त नहाया होके मस्त नहाया होके मस्त नहाया, अंदर मन के खुल के द्वारे निर्मल हो गई काया, निर्मल हो गई काया निर्मल हो गई काया, द्वारे निर्मल हो गई काया निर्मल हो गई काया निर्मल हो गई काया, माँ की धुन में खोकर उसने दुनिया को बिसराया दुनिया को बिसराया दुनिया को बिसराया, माँ की धुन में खोकर उसने दुनिया को बिसराया दुनिया को बिसराया दुनिया को बिसराया, माई ज्वाला के चरणों में अपना शीश चढ़ाया अपना शीश चढ़ाया अपना शीश चढ़ाया, माई ज्वाला के चरणों में अपना शीश चढ़ाया अपना शीश चढ़ाया अपना शीश चढ़ाया, अमृत बरसे रह बरसे जी शेरों वाली के द्वार, अमृत बरसे 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 जी शेरा वाली के द्वारे, अमृत बरसे बरसे जी शेरा वाली के द्वारे। ओ पाना है पाना है दरबार तो सब कुछ पाना है, पाना है दरबार तो सब कुछ पाना है, पाना है दरबार तो सब कुछ पाना है, पाना है पाना है दरबार से सब कुछ पाना है, इस अमृत का श्रीधर ने जो पिया प्रेम का प्याला, पिया प्रेम का प्याला हाँ पिया प्रेम का प्याला, श्रीधर ने जो पिया प्रेम का प्याला पिया प्रेम का प्याला पिया प्रेम का प्याला, रोम रोम में फिर गई उसके माँ के नाम की माला, माँ के नाम की माला माँ के नाम की माला, रोम रोम में फिर गई उसके माँ के नाम की माला माँ के नाम की माला माँ के नाम की माला, कन्या रूप में वैष्णो माँ का हुआ जो दर्शन निराला, हुआ जो दर्शन निराला माँ का हुआ जो दर्शन निराला, कन्या रूप
हुआ जो दर्शन निराला, हुआ जो दर्शन निराला, हुआ जो दर्शन निराला। वो नाच पड़ावे तीरथ में हो करके मतवाला, हो करके मतवाला, हो करके मतवाला। वो नाच पड़ावे हो करके मतवाला, हो करके मतवाला, हो करके मतवाला। अमृत बरसे रहो बरसे जी नैना देवी के द्वारे, अमृत बरसे बरसे जी नैना देवी के द्वारे, अमृत बरसे बरसे जी शेरों वाली के द्वारे, अमृत बरसे बरसे जी शेरों वाली के द्वारे। बोले जाएंगे ले जाएंगे सब मन की मुरादें, ले जाएंगे ले जाएंगे ले जाएंगे सब मन की मुरादें, ले जाएंगे ले जाएंगे ले जाएंगे सब मन की मुरादें, ले जाएंगे ले जाएंगे ले जाएंगे सब मन की मुरादें, ले जाएंगे। शेरों वाली के द्वार, नहरों वाली के द्वार,
जयकारा शेरों वाली जी का सच्चे दरबार की जय। एक भेंट उस कर रहे हैं श्री यशपाल। जयकारा शेरों वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। आए हैं मैया हम द्वार तेरे, तू सब दुनिया की वाली है, तू सब दुनिया की वाली है। आए हैं मैया हम द्वार तेरे, तू सब दुनिया की वाली है, तू सब दुनिया की वाली है। राता है संसार तेरे, तू सब दुनिया की वाली है, तू सब सार तेरे, तू सब दुनिया की बाली है, सब दुनिया की बाली है। आए हैं मैया हम द्वार तेरे, तू सब दुनिया की बाली है, तू सब दुनिया की बाली है। आए हैं मैया हम द्वार तेरे, तू सब दुनिया की बाली है, तू सब दुनिया की बाली है। कोई जगह ना तुझसे खाली है, कोई जगह ना तुझसे खाली है, वाली है, तू सब दुनिया की वाली है। द्वार तेरे, तू सब दुनिया की वाली है, तू सब दुनिया की वाली है। आए हैं भैया हम द्वार तेरे, वाली है, तू सब दुनिया की वाली है। Yeah.
दासों का मैया बना लो मुझे, दास दासों
मैया होए दर्शन का दुर्गे मैया मेरे सेवक भगत मुझे सारे मिले तेरे सेवक भगत मुझे सारे मिले दर्शन पाके मुझे सब प्यारे लगे दर्शन पाके मुझे सब प्यारे लगे शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय प्रातः स्मराम शरदिंदु कर ज्वलाभाम सद्रत वन मकर कुंडल हार भूषाम दिव्याजोर्जित सुनील सहस्र हस्ता रक्तोत्तलाभ चरणा भवती परेशाम सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय जयकारा शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय आज बिकमारी शुभ संबत 2076 उत्तरायण उत्तर गोल वसंत ऋतु वैशाख मास के आज तीन प्रविष्ट है चैत्र शुक्ल पक्ष आज द्वादशी तिथि है मंगलवार तदनुसार 16 अप्रैल सन 2019 के दिन दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांगन बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आज कामदा एकादशी व्रत के दिन माता जी के चरणों में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आज के दिन जब पूजा पाठ दान तथा रात्रि भर जाग करके भगवान विष्णु की आराधना करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है आप सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव पुत्रवान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूरी भूति कर्णे दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव बैरी दर्प दलने व्यापार दक्षो भव श्री शंभुर भवपाद पूर्णता सर्वोपकारी भव मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धि नाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तव शीर्वर्चस्व आयुष्मारोग्यमाभिधात् शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्र लाभं छत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः आपकी दीर्घायु हो आपको आरोग्यता प्राप्त हो आप धन धन से संपन्न हो जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों आप सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय अभी सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते माता आरती बोलेंगे आपकी पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर आरती लिखी हुई है सभी बोलेगा ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी तुम को निश दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि भवमाजिवरी ओम जय अम्बे को जल से दो नैना ओ जल से दो नैना चंद्र भगन नीतो ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेव करता पर राजेव
मैं अब छोड़ कर सारे दुनिया के धंधे वाली माता तेरी सदा ही जय बोल सच्चे दरबार की जय। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज माता जी पूजा करके गुफा द्वार पर पसार चुके हैं, तो इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता जी की आरती होगी। आरती अब सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोलो जय माता दी, रल मिल बोलो जय माता दी, क्या हुई वेला जय माता दी, प्रातः वेला जय माता दी, आरती वेला जय माता दी, आप बुलांदी जय माता दी, कष्ट मिटांदी जय माता दी, मेरा करनी जय माता दी, गलियां भरनी जय माता दी, भरे खजाने जय माता दी, चोला आने जय माता दी, पूजा भरनी जय माता दी, वीर देंदी जय माता दी, लाल देंदी जय माता दी, माने सुनिया जय माता दी, ऊंची बोलो जय माता दी, हाथी बोलो जय माता दी, ताली बजा के जय माता दी, जोता वाली जय माता दी, लाटा वाली जय माता दी, चोलिया वाली जय माता दी, चुनिया वाली जय माता दी, चूड़िया वाली जय माता दी, पहाड़ा वाली जय माता दी, मंदिरा वाली जय माता दी, झंडिया वाली जय माता दी, भवना वाली जय माता दी, द्वारा वाली जय माता दी, चेरा वाली जय माता दी, गुफा वाली जय माता दी, हाथ वाली जय माता दी, जग कल्याणी जय माता दी, मां महारानी जय माता दी, चंडी रानी जय माता दी, वैष्णो देवी जय माता दी, मां महाकाली जय माता दी, गप्पर वाली जय माता दी, शक्ति जंदी जय माता दी, भक्ति नैया जय माता दी, धर्मधारी जय माता दी, जय जाने जय माता दी, चोलायने जय माता दी, सरस्वती जय माता दी, अंतर्यामी जय माता दी, विद्या नदी जय माता दी, ज्ञान नदी जय माता दी, बुद्धि नदी जय माता दी, भक्ति नदी जय माता दी, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, जय जगदम्बे जय अम्बे, जय जय अम्बे जय जगदम्बे, सत्या ज्योता वाली माता तेरी सदा हमारा शेर वाली जी दा बोल सच्चे
सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तियां दोनों हाथ जोड़ करके माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दिशो जहि, यशो देहि द्विजो जहि, सर्वमंगल मंगल्ये, सर्वमंगल मंगल्ये, शिवे सर्वार्थ साधिके, शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, शरणे त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्ति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती का क्रम देखिएगा। जय माता दी। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आद गणेश, तृतीय शारदा, मेरे कार्य करो हमेश आनंदी आनंद करो, कल्याणी कल्याण मैया दोपहर चौधरी योजना का ध्यान दे मां। Thank you.
खड़गम चक्र गु चाप परिणाम शूलंब चुंडिशिरा शंखम चंद्रदी नयन सर्वांग भूषावृता नीलाशिमाशीर्वाद दशक चेले महाकालिकास्तो स्विदेहरो कमलजो अंत मधुकेतव पक्षाशुंगदेश पदमंगलुष्टुंडिका दंडम शक्तिमती चर्म जलय घंटासुरा भाजनम शूलं बाज सुदर्शने चलती हस्ते प्रसन्ना नी महा लक्ष्मी करो यंडा शूल चक्रम धनुषाकम सीता सुतुल्य प्रभा गौरी देह सुवाम प्रियता आधार पूरा महा पूर्वा मंत्र सरस्वती मनुभज शुंभाजी तुमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या लग्नं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभां लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं भन्ते भवरणं सर्वलोकैकनाथं अच्युतं केशवं रामनारायणं विशुदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं हरे मुरारे मधुकेतवारे गोविन्द गोपाल मुरारे किशोरे ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि विद्यां प्रदेहि भगवन् नमो हे माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा पंच फूला रानी माता तेरी सदा सर्वत दा भला करने वाली माता तेरी सदा सारे संसार विश्रांति देने वाली माता तेरी सदा लुंगड़ा भीर ठाकुर तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का अधर्म का प्राणियों में प्राणियों में प्राणियों में विश्व का विश्व का भारत वर भारत वर बोलो हर बोलो बाबा शिखर की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जयकारा माँ शेरावाली दा। आप सभी भक्तजनों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। बोलो सच्चे दरबार की जय माता जी। ओम ब्रह्मं शैलपुत्री जीवन जन्म संकेत
सत्तम गौर व्यक्ति की हम गौरी की सब हम सिद्धि व्यक्ति कहना दुर्गा और मंगल मंगल श्री सभा के साथ पढ़ने संत के गौरी आराज परिणाम विनाश परिप्राण करा सर्वत्या हरे देवी नारायणी सर्वत्र रूपे सर्वेश सर्वशक्ति सर्वत्या नवदेवी दुर्गे देवी देवी सौभाग्यम आरोग्यम देवी मे परमेश रूपम देवी जयंगे मंगल मंगल चुन्नी नमस्ते खालो जय श्री राम जय माता रानी जय माता रानी।